नाथराव आगे बढ़ो, भाई नाथराव आगे बढ़ो, भाई नाथराव। आज हमारे साथ अटाली आए हमारे चेयरमैन राजेंद्र जी, एडवोकेट हेमंत भारद्वाज जी, एडवोकेट नरेश यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष कृष्ण पंडित जी, अशोक लांबा जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण, और यहाँ पे आए गांव अटाली के बुजुर्गों, माताओं बहनों, युवा साथियों, राम राम जी। मैं बोलूँ आज पहली बारी बग्गी में बैठी और ये ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी शादी में खुद दूल्हा बन के आ रही हूँ, तभी बैठते ना। तो आप सभी का ये प्यार देख के ये बहुत 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 प्रसन्नता हुई और दिल खुश कर दिया। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अब आप सभी जानते हैं कि अटेली विधानसभा से मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ और आप सभी के बीच आई हूँ आज के दिन आप सभी का साथ, आप सभी का आशीर्वाद मांगने। अटेली का रिश्ता बहुत लंबा रहा है मेरे परिवार के साथ और आज जैसे मैं जा रही हूँ सब बोले हैं कि तेरे दादा के गांव, दादा के गांव, तो मैंने कहा जो नए पीढ़ी है जैसे मैं हूँ वो तो जन्म नहीं लिया था उस वक्त जब 1967 में पहली बारी राव बीरेंद्र सिंह जी को विधानसभा भेजा था आप सभी ने, 1967 की बात, और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। उसके बाद 79 में फिर से बने थे अटेली से विधायक, आप सभी ने भेजा था। अब नायाब चीज़ अभी क्या हो गई है कि मेरे पिताजी 1977 में पहली बारी विधानसभा गए, मगर गए जाटूसाना से। अब कितनों को जाटूसाना याद है ना जाटूसाना। अब जाटूसाना विधानसभा का एक हिस्सा हुआ करता था कनीना, जहाँ से राव इंद्रजीत सिंह जी लड़ते थे। अब 2009 के परिसीमन के बाद अटेली और कनीना एक हो गया, तो आपने भेजा मेरे दादाजी को और कनीना ने भेजा मेरे पिताजी को पहली बारी विधानसभा। अब इन दोनों का हो गया संगम और इस संगम के बाद मैं बोलूं कि मुझे भी पहली बार विधानसभा भेज दो। बहुत फक्र है मुझे इस बात का कि 70 साल की राजनीति मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मगर आज भी हमारा दामन बेदाग है। और अगर ईमानदारी की बातें करते हैं कोई पूरे हरियाणा में तो सबसे अव्वल नंबर में मेरा परिवार आता है। और दक्षिण हरियाणा की राजनीति का सवाल जब उठता है तो विकास कार्य होते हैं तो उसमें मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के ना जिक्र ना होने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे विकास कार्यों में उनके हाथ थे। तो मैं आज आप सभी से के बीच आई हूँ ये आप सभी को वादा करने कि जैसे मेरे दादाजी और पिताजी ने अपनी पूरी ईमानदारी से आपकी हित की, आपकी हक की लड़ाई लड़ी है आज तक, उसी ईमानदारी से मैं भी लड़ने जा रही हूँ, आप बस मेरा साथ दे दें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जैसे टिकट मिला सब बोलने लगे आरती तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट आ गई है। मैंने कहा मैंने क्या कह दिया, तो वो बोले तू बन जाएगी तो दिखेगी नहीं, तो घूम जाएगी। अरे मैंने कहा मैं बनी नहीं, आपने बनाया नहीं, आपने सोच लिया मैं घूम जाऊंगी। क्यों सोचा? क्योंकि विरोधी दल वाले आपके कान भर रहे हैं और आप वो कान इधर से उधर नहीं निकाल रहे, रख रहे हो अंदर। तो अब मैं आपको सीधी बात बोलूं, यहाँ से सुनो, वहां से निकालो, क्योंकि वादा करके जा रही हूँ आपके बीच रहने वाली हूँ मैं। अब मैंने ऑफिस खोल ही दिया है कनीना और अटेली में, मगर ये भी बता दूं मैंने घर भी ले लिया है।
ही विरोधी दल वालों की पूरी मेरे पीछे पड़ने की कि वो रहेगी नहीं। अब दूसरा बोलने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बोलने दो। मैं बस इतना बोलती हूँ आज के दिन कि मेरी राह तो शुरू हुई है ना, आज अभी तो शुरू हुई है। 10 साल की तपस्या की है मैंने, तब जाके टिकट मिली है, और 10 साल की तपस्या के बाद टिकट मिले। उस 10 साल में मैंने कितनों के लिए वोट मांगे आप पता। अटेली आई थी तो वोट मांगे थे, नारनौल गए थे तो वोट मांगे थे, रेवाड़ी गए थे तो वोट मांगे थे, कापड़ीवास जी के लिए मैंने ही वोट मांगे थे। अब बात आई गुड़गावा, बादशाहपुर, पटौदी, बावल। अरे भैया मेरे को तो सब जगह भेजा गया, और मैंने पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से सबके लिए वोट मांग लिया। अब मेरी बारी आई तो सबको चूटी चढ़ गई। क्यों? 10 साल की तपस्या कम है क्या? और वो भी काम करना, लोगों के बीच रहना, अपना नाम बनाना, क्योंकि लोगों ने अपने दिलों में मुझे जगा दी। और अगर लोगों ने मेरे को अपने दिलों में जगह दी है, उसका कुछ कारण तो होगा, और वो कारण ये है कि मैं उनके सुख दुख में उनके साथ रही, और जब भी मेरे को मेरी ज़रूरत पड़ी मैं उनके साथ थी। तो ये 10 साल की तपस्या के बाद जो टिकट मुझे मिली है, मैं आप सभी से पूछूं, मैं पागल हूं कि मैं भाग जाऊंगी? मैं रहूंगी आप सभी के बीच। अब उनको डर है कि अगर आरती जीत गई तो उनका रास्ता बंद हो गया है, सही बात है ना? अब मैं तो ये कहने जा रही हूं, डरते रहो, क्योंकि मैं तो आ गई। और जहां तक बातें हैं मेरी, वो तो होती रहेंगी। पहले मेरी राह शुरू हो तो हो, आपकी राह तो पहले से ही शुरू हो गई थी। 2009 में आपने इलेक्ट किया था ना कांग्रेस उम्मीदवार, तो उस वक्त जब आज के दिन आप सभी से वो बोल रहे हैं कि नौकरियां मैं दूंगी अपने बच्चों को, मैं दूंगी, अरे भाई 2009 में वो नौकरियां कहां थी? नौकरियां रोहतक में थी। किनके छोरों को लग रही थी? रोहतक के छोरों को लग रही। तो कौन सा चमत्कार होने वाला है कि 2009 में 5 साल में वो नौकरियां लगवा नहीं सकी, मगर अब नौकरियां लगवा देंगी? किसकी चमचागिरी कर? अब बात सही है ना, साथ सीधी बात कर रही हूं मैं, कि हम दक्षिण हरियाणा की चौधर ऐसी है आज के दिन कि हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप मुझे अपना सेनापति बनाते हो तो ये लड़ाई मैं पूरी एंड तक लड़ूंगी, आपके साथ लड़ूंगी। और ये वादा करती हूं कि मेरा दम निकल जाएगा मगर मैं लड़ाई नहीं छोड़ूंगी। और साथ साथ 10 सालों में बहुत चीजें हुई हैं। इन 10 सालों में बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां मेरी सरकार ने दी। हर गांव में बच्चा बताए, 1, 2, 3 नौकरियां तो लगी हैं हर गांव में, बिना पर्ची बिना खर्ची। ये लो, पता नहीं आप बता, अपने आप में बता देना, 42 बोल रहे हो, 42 बालक बिना पर्ची बिना खर्ची। अगर आपको याद है 10 साल पहले नहरों में पानी नहीं आया करता था, सूखा था, आज के दिन पानी आए। आप क्या चाहते हो कि वो जो पानी आ रहा है वो भी सूख जाए? नहीं चाहते ना। और जो सड़कें बनी है आज के दिन, मैं तो बोलूं, मैं वही बोलती रहती हूँ हर भाषण में आज के दिन, मैंने कहा नारनौल जाओ, महेंद्रगढ़ जाओ, रेवाड़ी जाओ, सड़कें तो बेहतरीन हो गई हैं, पहले खड्डे हुआ करते थे। और दिल्ली की का सफर अलग, मगर चंडीगढ़ जाने का सफर अब सब 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, तो भेज दो मुझे चंडीगढ़। तो आज मेरी यही इंतजा है आप सभी से कि गर्मी होने वाली है, लावणी हो गई, हुमस बहुत है, फिर भी आप सभी ने मेरा इंतजार किया, अपना वक्त निकाला, 5 तारीख को वक्त जरूर निकाला, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में 4 नंबर के बैलेट पे, मेरा नंबर 4 है,
कमल के फूल का बटन आएगा। तो पांच तारीख को चार नंबर पर कमल के फूल का बटन दबाना है, भाजपा की सरकार लानी है और आरती को विजय बनाना है। इसके साथ 28 तारीख को योगी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब योगी आदित्यनाथ जी भोजावास आ रहे हैं 12:30 बजे, और आप सभी सादर आमंत्रित हैं, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 12:30 बजे भोजावास ज़रूर पहुँचे और उनके शब्दों को सुने। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सभी लोग हाथ उठा करके बहन आत्राओं को समर्थन, पूरे हाथ उठा करके।